गम कितना ही संगीन हो नींद से पहले तक, कायनात का कोई गम ऐसा नहीं जो आदमी बर्दाश्त ना कर सके। मरने के बाद जिंदा होने की खुशी सिर्फ इस शख्स को हो सकती है जो इस जिंदगी में कोई काम कर रहा हो। जो इस जिंदगी में कोई काम कर रहा हो तो इससे मरने का कोई खौफ नहीं होता। जवानी 16 साल की उम्र का नाम नहीं, एक अंदाजे फिक्र का नाम है, एक अंदाजे जिंदगी का नाम है, एक कैफियत का नाम है। हो सकता है एक शख्स 16 साल में बूढ़ा हो और एक शख्स 60 साल में जवान हो। सांस की मौत से पहले बहुत सी मौतें हो चुकी होती हैं। हम सांस को मौत समझते हैं, हालांकि सांस तो ऐलान है इन तमाम मौतों का जो आप मर रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि ये दुनिया गुनाह के मुतलाशी को गुनाह देती है और फजल के मुतलाशी को फजल देती है। अपनी हस्ती से ज्यादा अपना नाम ना फैलाओ, नहीं तो परेशान हो जाओगे। जिसको सदाकत और नेकी का सफर करने की ख्वाहिश है वो जान ले कि ये मंजूरी का ऐलान है। जिसको मंजूर नहीं किया जाता इसको ये शौक ही नहीं मिलता। दूर का कोई मकाम ऐसा नहीं जो करीब ना आ सके। जिस चीज को हम बाइसे इज्जत समझ रहे हैं इसकी मौजूदगी में लोग जलील हैं। आपके सांस गिनती के मुकर्रर हो चुके हैं, ना कोई हादसा आपको पहले मार सकता है और ना कोई हिफाजत आपको देर तक जिंदा रख सकती है। झूठे मुआशरे में इज्जत के नाम से मशहूर होने वाला आदमी दरअसल जिल्लत में है। दुआ ये करो कि ऐ अल्लाह, जो तूने देना है वो बगैर मांगे दे और जो कुछ तूने नहीं देना इसके मांग की तौफीक ही ना दे। फानी की मोहब्बत फना पैदा कर देगी, बाकी की मोहब्बत बका पैदा कर देगी। जब आप अपने माजी को अपने हाल पर फोकियत देते हैं तो आप मजहबी आदमी बन जाते हैं। जब मुस्तकबिल को फोकियत देते हैं तो फिर साइंसी आदमी बन जाते हैं। साइंस माजी में नजात पाती है जबकि मजहब माजी की तरफ रजू करता है।